तो जी ये सामने खड़ी है टोयोटा फॉर्चूनर, बुलेट प्रूफ, नॉर्मल फॉर्चूनर नहीं है ये, बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्चूनर है। और ये गाड़ी पूरी बुलेट प्रूफ हुई है। दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप खाली इसमें शीशा बुलेट प्रूफ करा सकते हैं या फिर फुल गाड़ी बुलेट प्रूफ करा सकते हैं। ये फुल गाड़ी बुलेट प्रूफ हुई है, इंक्लूडिंग इसके साइड ग्लासेस, इंक्लूडिंग इसकी रूफ, यानी कि छत भी इस गाड़ी की बुलेट प्रूफ हुई है भाइयों। पहले तो आप लुक देख लो भाई, ओवरऑल गाड़ी का बुलेट प्रूफ गाड़ी का लुक बाहर से देखने में कोई पहचान नहीं सकता, अंदर से देखने में आपको चलेगा पता कि गाड़ी बुलेट प्रूफ है भी या नहीं, जिसको नॉलेज होगी उसी को ही। अंदर की तरफ देख लो कि कुछ डैशबोर्ड है भाई, ऊपर साइड का आगे का जो विंडशील्ड है वो आपकी पूरी बुलेट प्रूफ है। ऊपर की रूफ देख सकते हैं भाई, कहीं से पता नहीं लग रहा गाड़ी भाई बुलेट प्रूफ करी गई है। कितनी सफाई और कितनी बढ़िया तरीके से काम किया गया है। अगर आप भी इस तरीके से काम कराना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना भाई, आप अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करा सकते हैं। चाहे फॉर्च्यूनर हो, चाहे थार हो, चाहे आपकी एंडेवर हो, कोई भी बड़ी गाड़ी हो आप बुलेट प्रूफ करवा सकते हैं भाई। बाकी इस गाड़ी का अंदर से लुक देख लो भाई, ये आपका साइड का जो जिसका पिलर है वो भी बुलेट प्रूफ हुआ है। बाकायदा आप टेस्ट करके देख सकते हैं भाई गाड़ी बुलेट प्रूफ हुई है नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं AK-47 और SLR से गाड़ी पूरी टेस्टेड है। हाई लेवल की इसमें शीट लगती है, ठीक है। तो पूरी डिटेल के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना भाई। बाकी मैं बता दूं बुलेट प्रूफ गाड़ी के जो शॉकर्स होते हैं वो भी चेंज किए जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का वेट 1 से 1.5 क्विंटल बढ़ जाता है, यानी कि 1000 से 1500 किलो के आसपास इस गाड़ी का वेट बढ़ जाता है। तो आपको भाई इसमें शॉकर भी चेंज होते हैं, क्योंकि पुराने शॉकर इतना वेट नहीं झेल सकते हैं, शॉकर भी चेंज हुए हैं। बाकी पीछे का आप देख लो, इसका दरवाज़ा, विंडशील्ड पूरा इसमें बुलेट प्रूफ किया गया। और बुलेट प्रूफ गाड़ी का भाई शीशा डाउन नहीं होता, ये भाई फिक्स हो जाता है, ऊपर नीचे आप इसको नहीं कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप लेकर के चले तो देख लो, पीछे एक अलग सा कैबिन बन गया भाई, पूरा ही एक अलग सा बुलेट प्रूफ कैबिन बन चुका है। इसको आप खोल के, ये लॉक भी हो जाता है, अनलॉक भी हो जाता है, इसको आप खोल के भाई उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो ये देख लो पीछे से कुछ इस गाड़ी का लुक है भाई, ठोस है भाई, मतलब भाई AK-47 और SLR से पूरी टेस्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। टाइम मैं बता दूँ, जो भाई बुलेट प्रूफ करवाना चाह रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर, 25 से 30 दिन यानी कि 1 महीना आप मान करके चलिए टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप खाली शीशे शीशे करा रहे हैं तो 20 दिन के आसपास आपकी गाड़ी में काम हो जाएगा। बाकी पीछे से अंदर से लुक इस तरीके से है भाई, लुक देख लो, बहुत सफाई से काम किया गया भाई। अगर आप प्राइसिंग जानना चाह रहे हैं तो भाई नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना, हम इस पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आप कॉल करके प्राइसिंग ले सकते हैं। इंडिया के कहीं से भी हो आप, काम आप करवा सकते हो। बाकी भाई इसका आप देख लो, पीछे इस तरीके से कैबिन बन चुका है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया नई गाड़ी है फॉर्च्यूनर भाई, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, नई गाड़ी है भाई ये। और देख लो बुलेट प्रूफ गाड़ी कर दी है भाई, फॉर्चूनर, थार, स्कॉर्पियो, ये सब गाड़ियाँ भाई आप बुलेट प्रूफ करवा सकते हो। जो 2000 cc से ऊपर वाली गाड़ियाँ हैं उनमें आप करवा सकते हो, हल्की गाड़ियों में बुलेट प्रूफ नहीं होता, क्योंकि भाई उसका हैवी वेट हो जाता है, इस वजह से आप बुलेट प्रूफ नहीं होता। बाकी आगे की विंडशील्ड देख लो पूरी भाई, मैंने जैसे बताया खुल नहीं सकता इसमें शीशा, शीशा इसका हो गया है फिक्स, चारों शीशे फिक्स हो गए हैं, पीछे वाला भी इसमें फिक्स हो गया, शीशा आप डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बात करनी है तो गेट खोलना ही पड़ेगा। तो ये कुछ है भाई सेफ्टी पर्पज़ की वजह से इस गाड़ी का विंडशील्ड यानी कि शीशा डाउन नहीं हो सकता। बाकी फ्रंट से लुक देख लो, पहचान नहीं सकते भाई आप, बाहर से आपको देखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा गाड़ी बुलेट प्रूफ हुई है, इतनी सफाई से बढ़िया तरीके से काम किया गया है भाई। बाकी कोई भाई करवाना चाह रहा है 1 महीना मान करके चलो पूरी गाड़ी का बुलेट प्रूफ, और शीशे शीशे अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो 20 से 25 दिन आप मान करके ही चलिए चलिए। बाकी शॉकर भी इसमें चेंज हो, जैसे मैंने बता दिया भाई शॉकर नए डलते हैं इसमें, क्योंकि गाड़ी का वेट हैवी हो जाता है 1000 से 1500 किलो के आसपास। टायर कोई भाई बुलेट प्रूफ करवाना चाह रहा है तो वो भी टायर भी इसका बुलेट प्रूफ हो जाएगा, टायर में रन फ्लैट डलते हैं, जो भाई बुलेट प्रूफ करवाना चाह रहा है उस पर टायर में भी आपको बुलेट प्रूफ हो जाएगा। यानी कि बाई चांस अगर बुलेट टायर पर लगती है तो 200 से 250 किलोमीटर आराम से गाड़ी चल जाएगी बुलेट लगने के बाद भी। तो इस तरीके से कुछ काम किया जाता है। बाकी जैसे मैंने बताया इस गाड़ी का रूफ भी बुलेट प्रूफ है, यानी कि ऊपर की जो छत है वो भी बुलेट प्रूफ करी गई है, जिससे कि भाई सेफ्टी और ज़्यादा एनहेंस हो जाए। सब कुछ इसमें पूरा बुलेट प्रूफ है भाई, पूरी गाड़ी चारों तरफ से बुलेट प्रूफ है, चारों दरवाजे, चारों शीशे और पीछे वाला क्वार्टर पैनल भी, पीछे वाला जो इसका पैनल है वहाँ पूरा कैबिन लग गया है, देख लो पीछे से ग्लास का कुछ इस तरीके से लुक है, काफ़ी मतलब मैं कह रहा हूँ पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत ये हो गया। बुलेट से कोई भी हाई लेवल बुलेट हो उसमें आप मारेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हैवी क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, जिससे कि अंदर वाले पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत ना आए। मैं आपको एक बार लुक दिखा रहा हूँ, ये देख लो पूरा इस तरीके से अंदर का लुक है भाई, पूरा गाड़ी का कैबिन शानदार, अच्छा काम हुआ है, सफाई से काम हुआ है। और कोई भाई कराना चाह रहा है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना भाई, 1 महीना आप मान करके चलिए। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी हो, MG की ग्लोस्टर हो, वो भी बुलेट प्रूफ हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर आपके पास कोडा की गाड़ी हो वो भी हो जाएंगी,
वॉल्वो वो भी हो जाएंगी, तो कोई सी भी गाड़ी आप करवा सकते हो। पीछे से भी कैबिन देखो उस तरीके से हो गया, ये कैबिन लॉक कर सकते हैं आप, चाबी इसको इसमें आपको दी जाएगी, लॉक अनलॉक आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। पीछे का देख लो पैनल बढ़िया तरीके से हो गया, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है, बाकायदा आप टेस्ट करके इसमें देख सकते हैं। और पीछे वाला कैबिन आप एक बार और देख लो, ये कुछ पीछे का कैबिन का लुक है अंदर से अगर आप देख रहे हो तो भाई देख लो, नॉर्मल इंसान यानी कि कोई बता ही नहीं सकता वैसे तो कि गाड़ी बुलेट प्रूफ हुई है अभी नहीं हुई है, केवल जिसको नॉलेज है वही बता सकता है भाई। ये देख लो भाई, मैंने पहले बताया AK-47 और SLR से पूरी टेस्टेड है। पीछे का देख लो, ये कुछ इस गाड़ी का लुक है। तो इस तरीके का काम कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लें, और ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। बाकी यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को भाई, कोई काम कराना चाह रहे तो काम करा लेना, बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जाना, और अंदर से एक बार दोबारा से कैबिन का लुक देख लो पूरा अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शेयर करना भाई ज़्यादा से ज़्यादा, जो भाई बुलेट प्रूफ गाड़ी करवाना चाह रहे हैं या फिर उनको करवाने का प्लान कर रहे हैं। टाइम बता दिया भाई, एक महीना के करीब आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी लेकर के आए हो, अगर आप शीशे कराना चाह रहे हो तो 20 से 25 दिन के आसपास आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए आप सब भाइयों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।